Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक है? सब बढ़िया? आपका दोस्त स्विमिंग गोल्स भी प्रेजेंट हो गया. फ्रेंड्स, आज मैं रोहिणी के क्लब काइट फाइटिंग ग्राउंड में आया हुआ हूँ और यहाँ पे जो है काफ़ी सारी क्लब्स आई हुई है और यहाँ पे क्लब काइट फाइटिंग हो रही है. पेच काफ़ी दूर चला गया तो इसलिए पेचों का वीडियो दिखाना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जो हमारे क्लब काइट फाइटर्स जो पतंग और माझा वगैरह यूज़ कर रहे हैं मैं उसको आप लोगों को दिखाता हूँ. तो चलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू फ्रेंड्स. तो चलिए हम लोग वीडियो को पूरा देखते हैं. फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पतंग जो है मैदान में लड़ाने के लिए लेकर के आए हैं और ये गुड्डू भाई हैं, इन्होंने अपने हाथ से ये पतंग बनाई है और ये पतंग पेंट करके बनाई है. गुड्डू भाई, ये पतंग का कलर पहले क्या था? ये ऑरेंज कलर का पतंग था. फ्रेंड्स, इसके ऊपर देखिए कितना अच्छा ब्लैक कलर का डिज़ाइन डाल करके इस पतंग को बनाया. इसके अलावा गुड्डू भाई ने एक और पतंग बनाई है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ. तो ये जो क्लब काइट फाइटर्स होते हैं ये बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट भी होते हैं, यानी कलाकार भी होते हैं. भाई, इनके अंदर कला की कमी नहीं होती है, आप देख सकते हैं. और अभी मैं आपको दूसरी पतंग भी दिखाता हूँ. फ्रेंड्स, देखिए ये भी एक जो है ये भी एक डिज़ाइनर काइट है और ये भी गुड्डू भाई ने बनाया है. और इसको पलट करके दिखाइए. गुड्डू भाई, ज़रा सा पतंग को पलट दीजिए. ये देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा धूप की तरफ चला जाता हूँ, आप इधर घूम जाइए थोड़ा सा. ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक पतंग आपको और भी दिखाई जा रही है. ये देखिए, ये भी पेंट करके बनाया गया है. देखिए कितना खूबसूरत बनाया इन्होंने, एक से बढ़कर एक पतंगें बनाई हैं. डिज़ाइन की बहुत खूबसूरत पतंगें हैं. इसको पलट के दिखाएंगे ज़रा सा. ये देखिए पीछे से, ये ऐसा लगता है, क्या कलरफुल पतंग है. सिर्फ ये पतंगबाजी नहीं होते, ये बहुत बड़े आर्टिस्ट और कलाकार भी होते हैं. ये हर रंग में रंगे हुए होते हैं पतंगबाज लोग. थैंक यू गुड्डू भाई. फ्रेंड्स, देखिए ये पेच लड़ने जा रहा है और पेच काफ़ी दूर लड़ रहा है तो इस करके जो है काफ़ी दिक्कत हो रही है. और लेफ्ट हैंड साइड से नीचे से आया राइट हैंड साइड वाला, बहुत ही अच्छा काट दिया ऊपर से लड़ाने वाले ने. और देखिए कितना ब्यूटीफुल तरीके से पेच काटा, ऊपर से टेपर गद्दा मार करके पेच काटा और नीचे वाले की पतंग जो है स्प्रिंग की तरह उछल करके गई. और आज जो है वीडियो बनाने में काफ़ी मुश्किल हो रहा है क्योंकि पेच काफ़ी दूर लड़ रहे हैं. ये आपको फुल जूम करके दिखाया जा रहा है और मोबाइल कैमरा जो होता है, मोबाइल का जो कैमरा होता है इतना अच्छा इसका जो है रोल नहीं रहता है दूर के पेचों की वीडियो बनाने में. अभी हम अगला पेच भी देखेंगे. देखिए फ्रेंड्स, फिर से पेच लड़ने जा रहा है और सही हो गया है. नीचे से लड़ाने वाला लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहा है, ऊपर से लड़ाने वाला राइट हैंड साइड से लड़ा रहा है. दोनों का बहुत ही अच्छा मूव है, बहुत बढ़िया काटा नीचे से लड़ाने वाले ने. बहुत ही अच्छा पेच काटा आपने अभी देखा. और फ्रेंड्स, ये मेरे ब्रदर हैं संजीव घोष. और काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछते थे कि आपके फ्रेंड ब्रदर का जो है पेच दिखाइए. तो अभी जो दो पेच आपने देखा, एक ऊपर से एक नीचे से, इन्होंने ही काटा और बहुत ही बढ़िया पेच है इनका. फ्रेंड्स, फिर से लड़ने जा रहा है और सही हो गया है. और लेफ्ट हैंड साइड से लड़ाने वाला जो है नीचे से लड़ा रहा है, राइट हैंड साइड वाला ऊपर से लड़ा रहा है. बहुत अच्छा पेच काट दिया इन्होंने. ये मेरे ब्रदर हैं जो पेच लड़ा रहे हैं अभी, इन्होंने ये तीसरा पेच काटा आज का. और ये देखिए, ये लड़ा रहे हैं और मास्क पहनना भी ज़रूरी होता है. ये संजीव घोष हैं और उनकी सद्दी की चरखी रखी हुई है और ये जो सद्दी है बहुत ही अच्छा है. ये सद्दी जो है बहुत अच्छा, मैं इसको एकदम बिल्कुल पास ला करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ. ये किसके हाथ का बना हुआ सद्दी है? ये इलाहाबाद के बिंदी मामा के हाथ की बनी हुई सद्दी है और बहुत ही अच्छी सद्दी होती है. और ये देखिए, ये चरखी भी कितना खूबसूरत है. ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से पेच लड़ने जा रहा है और चला खींच करके. बहुत ही अच्छा, बहुत बेहतरीन पेच काटा है फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन. ऊपर से टेपर पट मार करके ये पेच काटा और ये बिल्कुल ही नया पेच था, बिल्कुल अपने हिसाब से बिल्कुल ही एकदम नया पेच था और बहुत ही खूबसूरत पेच काटा. अब इस पतंग से चार पेच काट दिया इन्होंने.
ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब जवाबी पतंग जा रही है और पीछे भी कई पतंगों को खींच के देखा जा रहा है। क्लब वाले वहाँ पे बैठे हुए हैं और दूसरे क्लब वाले वहाँ पे बैठे, उनकी गाड़ियाँ सारी बाहर खड़ी होती है। इस ग्राउंड के अंदर आप गाड़ी नहीं ला सकते हैं और सिर्फ़ एक ये गाड़ी आई हुई है, ये गाड़ी भी परमिशन ले करके लाया गया है, बाकी आप गाड़ी नहीं ला सकते इस ग्राउंड के अंदर। आपको गाड़ियाँ बाहर खड़ी करनी पड़ेंगी, गाड़ियाँ रोड पर रहती हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिर से पेच लड़ने जा रहा है और लेफ्ट हैंड साइड से लड़ाने वाले ने चार पेच काट रखा है, वो मेरा ब्रदर है संजीव घोष। अभी आप लोगों ने पिछले वीडियो में उसका नाम सुना था और आज वो लड़ा रहे हैं। अभी इनके इस बार पेच कट गया फ्रेंड्स, इनका पेच इस बार कट गया और सामने वाले ने इस बार पेच काट दिया। बहुत अच्छा पेच काटा, उम्दा पेच काटा सामने वाले ने, लेकिन इस पतंग से इन्होंने चार पेच काट दिया था। फ्रेंड्स, मैं बताऊं आपको कि हर ग्राउंड में मेरे को कोई ना कोई सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे भी मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स आए हुए हैं, वो लोग जो है काइट फाइटिंग देख रहे हैं और काफ़ी नए लड़के, यंग लड़के जो भी पतंगबाजी को सीखना चाह रहे हैं और क्लब काइट फाइटिंग सीखना चाह रहे हैं, वो लोग भी आ जाते हैं आकर के जो है यहाँ पे। जो पुराने सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी जो है काइट फाइटिंग वगैरह देखते रहते हैं। ये ग्राउंड काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा ग्राउंड है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, काफ़ी दूर तक फैला हुआ है और लेकिन इसके सिर्फ एक ही हिस्से में जो है क्लब काइट फाइटिंग होती है। देखिए फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड साइड से लड़ाने वाला ऊपर से लड़ा रहा है, राइट हैंड साइड से लड़ाने वाला नीचे से लड़ा रहा है और ये पेच जो है कम से कम कुछ नहीं तो 900 मीटर पे है और मैंने जितना मैक्सिमम जूम हो सकता था मैंने कर दिया है, अब इससे ज़्यादा जूम नहीं हो सकता है। अब देखिए क्या होगा, दोनों की बिल्कुल एकदम सही हो गया, पूरी तैयारी हो चुकी है। जिसके हाथ में पावर होगा, जिसका ताकत होगा हाथ में और जिसके पास टेक्निक होगा, जिसका पतंग डोर अच्छा होगा वही पेच काटेगा। बहुत अच्छी जगह नीचे तक रख दिया ले जा करके और थपकी मार करके जो है चला रहा है। अब देखना ये है कि पतंग किसकी कटती है, और ऊपर वाले की पतंग कट गई, जिसने ऊपर से लड़ाया था फ्रेंड्स उसकी पतंग कट गई है और पतंग कट के बिल्डिंगों के पीछे जा चुकी है, आपको अभी नहीं दिखेगी पतंग। और जिसने लड़ाया था ये चक्कर ले रही है, ये पतंग जो है नीचे से लड़ाने वाले की है। ओ माय गुडनेस फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा गलत कमेंट्री दे गया आप लोगों को, जो नीचे से लड़ाने वाला था उसकी पतंग कट गई, एक्चुअली बिल्डिंग के पीछे छिप गई थी ऊपर से लड़ाने वाले की पतंग और उसकी कटी नहीं थी, उसने पेच काट दिया और काट करके जो है उसकी पतंग ये देखिए ये उठ के आ कर गई। एक्चुअली मेरे को भी थोड़ा सा धोखा ये हो गया कि मेरे को लगा कि शायद ऊपर वाले की पतंग कट गई और मैंने उसको बोल दिया कि उसकी पतंग कट गई, लेकिन एक्चुअली उसकी पतंग कटी नहीं थी, उसकी पतंग बिल्डिंग के पीछे जा चुकी थी और नीचे वाले की पतंग कटी है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, फिर से लड़ने जा रहा है और जो लेफ्ट हैंड साइड से हैं वो नीचे से लड़ाएंगे, राइट हैंड साइड वाला ऊपर से लड़ाएगा और सही हो गया। ऊपर वाला कन्ना पकड़ रहा है, नीचे वाले प्लेयर का कन्ना नहीं पकड़ना चाहिए, बीच से लड़ाना चाहिए हमेशा। नहीं हो पाया पेच क्योंकि ऊपर वाला थोड़ा सा चेटिंग कर रहा है, ऊपर वाला जो है बेईमानी का पेच लड़ा रहा है और कन्ने काटने के चक्कर में लग रहा है, जबकि आपको बीच में से लड़ाना चाहिए और ऊपर वाला जो प्लेयर है वो थोड़ा सा चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है। पेच अलग हो गया, फिर दोबारा सही होगा पेच, पेच को दोबारा फिर से सही किया जाएगा। वो पेच कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर वाले ने बेईमानी करने की कोशिश करी थी, पूरी बेईमानी करने की कोशिश करी थी, एकदम कन्नों के ऊपर ही जो भाग रहा था ऊपर वाला, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कभी। देखिए फ्रेंड्स, फिर से लड़ रहा है और जो लेफ्ट हैंड साइड से वो नीचे से आया हुआ है और सही हो गया, दोनों तरफ से सही की आवाज़ आ गई है। पिछली बार कन्ना पकड़ रहा था, इस बार देखते हैं क्या होता है।
दिल थाम के बैठिए बिल्कुल खामोशी के साथ। नीचे वाले का पतंग कट गया था, लेकिन उसी पतंग की डोर जो है दोबारा फिर से आ गई और दोनों ही पतंग चली गई एक साथ। फ्रेंड्स, ऊपर वाले ने पेच काट दिया, ऊपर वाले का पेच माना जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पतंग सब आगे जा रही हैं और आगे जा कर के लड़ेंगी। इनको जवाबी पतंग कहा जाता है और वहाँ पे लड़ेंगी। ये देखिए पतंग जो चक्कर ले रही, इसको खींच के देखा जा रहा है, क्योंकि सामने ओपोनेंट टीम को लग रहा है कि ये पतंग शायद अंदर की है, पर मेरे हिसाब से पतंग अभी ठीक से खींचा नहीं गया है। पतंग मेरे को अंदर की तो नहीं लग रही है, ठीक लग रही है पतंग। पतंग ठीक है, अब देखिए पतंग लड़ेगा फ्रेंड्स, और जिससे लड़ेगा वो बिल्कुल बगल में आ गया है। और नीचे से लड़ने वाला राइट हैंड साइड से लड़ा रहा है, ऊपर से लड़ाने वाला लेफ्ट हैंड साइड से लड़ाएगा, और देखते हैं किसके अंदर कितना दमखम है। और सही हो गया, दोनों तरफ से ही सही की आवाज़ आ गई। नीचे से लड़ाने वाला राइट हैंड साइड से लड़ा रहा है, ऊपर से लड़ाने वाला लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहा है। दोनों ने बहुत ही अच्छा पोजीशन ले रखा है। ऊपर से लड़ाने वाला चला, काफ़ी तेज़ी के साथ चला है और थपकी लगाया है उसने, जोर जोर की थपकी लगाया। और अभी भी पेच, अभी जो ऊपर से लड़ाने वाले की पतंग जो है बिल्डिंग के पीछे गई हुई है, अभी तक काट कट का फैसला नहीं हुआ है कौन सी कटेगी। काट दिया नीचे से लड़ाने वाले ने फ्रेंड्स, एक पतंग बिल्डिंग के पीछे चली गई थी, वो पतंग कट गई है। ऊपर से लड़ाने वाले की पतंग कट गई, नीचे वाले ने काट दिया। अब आपको अगला पेच दिखाता हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, फिर से लड़ने जा रहा है और सही हो गया है। और बीच में काफ़ी सारी दूसरी काइट्स आ गई, नीचे ही ला गई है। और नीचे से लड़ाने वाला जो है राइट हैंड साइड से लड़ा रहा है, ऊपर से लड़ाने वाला लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहा है। बीच में काफ़ी चील भी आ गई, इस वजह से जो है वीडियो में डिस्टर्बेंस हो रही है। बहुत तेज़ चला नीचे से लड़ाने वाले ने, फिर अंदर फेर लिया और ऊपर वाला रुक गया था। अब ऊपर वाला चला और पेच फंसा हुआ है, बराबर हो गया फ्रेंड्स। दोनों की पतंग एक साथ गई और उन लोगों ने बराबर की आवाज़ लगा दी। ये पेच बराबर पे छूटा है फ्रेंड्स। मैं अभी आप लोगों को कुछ अपने सब्सक्राइबर्स से मिलाऊंगा। और उधर से भी पतंग छोड़ी जा रही है, दोनों टीम की तरफ से पतंगें छोड़ी जा रही हैं लगातार। ये नीचे से लड़ा रहे हैं, ये रेड शर्ट पे है, रेड टी शर्ट पे, और जो ऊपर से लड़ा रहे हैं वो स्ट्राइप में, जो ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप पे हैं वो ऊपर से लड़ा रहे हैं। और अभी इनका पेच लड़ेगा, मैं आपको पेच दिखाऊंगा। और इन लोगों का ये पेच लड़ रहा है, राइट हैंड साइड वाला नीचे से लड़ा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर से लड़ा रहा है। यानी जिन्होंने रेड टी शर्ट पहन रखा था वो नीचे से लड़ा रहे हैं, और स्ट्राइप वाले जो हैं, स्ट्राइप टी शर्ट जिन्होंने पहना हुआ था वो ऊपर से लड़ा रहे हैं। और पेच सही हो चुका है, अब देखना ये है कि किसके हाथ में दमखम है काटने के लिए। पेच फंस गया फ्रेंड्स, और फंसा हुआ है पेच। ऊपर से लड़ाने वाले ने जो है पूरा लोड डाल करके पेच काट दिया, बहुत ही अच्छा पेच काटा ऊपर से लड़ाने वाले, यानी स्ट्राइप टी शर्ट वाले ने पेच काट दिया। और ये देखिए अपनी पतंग को ऊपर उठा करके ले आया, काफ़ी दूर पेच लड़ रहा है इसलिए हेजी आ रहा है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, फिर से लड़ने जा रहा है और पेच और दूर कर दी गई है। और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो नीचे से लड़ा रहे हैं, और राइट हैंड साइड वाला ऊपर से लड़ा रहा है। और जिसने पीछे जो है पेच काटा था, फंदा डाल दिया फ्रेंड्स, फंदा डाल करके बहुत ही अच्छा पेच काटा, लेकिन इनकी भी चली गई, लेकिन पेच हो गया है। ऊपर से लड़ा, नीचे से लड़ाने वाले के हक में पेच था और पेच जो है नीचे से लड़ाने वाले को मिल गया। हालांकि दोनों पतंग गई है, लेकिन पेच काट करके गई है, नीचे वाले को जो है पेच मिल गया है और उन्होंने पेच काट दिया। पेच काटने के तुरंत बाद ही जो है नीचे वाले की भी चली गई थी, इन्होंने पेच काटा था। और देखिए फ्रेंड्स, फिर से लड़ने लग रहे हैं, और जो है लेफ्ट हैंड साइड से लड़ाने वाला नीचे से लड़ा रहा है, राइट हैंड साइड वाला ऊपर से लड़ा रहा है। और सही हो चुका है, दोनों ने बहुत ही अच्छा मुड्डा पकड़ रखा है एक दूसरे का, और क्या होगा पता नहीं, देखते हैं कि किसमें कितना दमखम है। चलो बहुत ही अच्छा, ऊपर से लड़ाने वाले ने पेच काट दिया आप देख सकते हैं, और
वो पतंग जा रही है, नीचे से लड़ाने वाले की पतंग कटी है, ऊपर वाले ने अपनी पतंग आसमान में चढ़ा लिया। अब जो इस पेच में फ्रेंड्स जो नीचे से लड़ाएंगे वो इधर से लड़ाएंगे और ऊपर से लड़ाने वाला उधर से लड़ाएगा। फिर से देखिए फ्रेंड्स लड़ने जा रहा है और जो बहुत अंदर घुस करके आ गया नीचे से लड़ाने वाला, लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहा है और बहुत ताकत लगा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है और ऊपर वाले ने अपनी पतंग आसमान में चढ़ा ली। अभी स्क्रीन में दोनों पतंग आ गया होगा आप देख सकते हैं और देखते हैं क्या होता है। दोनों ही काफ़ी पावर लगाएंगे और ऊपर से लड़ाने वाले ने पेच काट दिया फ्रेंड्स और काट करके जो है अपनी पतंग बचा करके ऊपर ले आए आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स फिर से पेच लड़ने जा रहा है और जो राइट हैंड साइड से लड़ाएगा वो नीचे से लड़ाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर से लड़ाएगा। सही हो चुका है और देखते हैं क्या होता है। दोनों ने बहुत ही अच्छी जगह मुड्डा सजा लिया है, बीच पे चील भी आ रहा है इसलिए वीडियो में डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। खींचा, बहुत तेज खींच करके काट दिया नीचे वाले ने, ऊपर वाले की पतंग कट गई। फिर से लड़ने जा रहा है, राइट हैंड साइड वाले ने पहले एक पेच काटा हुआ है नीचे से, लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर से लड़ा रहा है और अब गिनती के दो चार पेच ही लड़ेंगे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं। और ऊपर वाले ने रख दिया, पेच फंसा दिया है और नीचे वाले ने फिर से पेच काट दिया, ऊपर वाले की पतंग कट गई। ये पतंग देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत पतंग है और ये चप पतंग है, ब्लू एंड वाइट कलर का जो है चप है, बहुत ही खूबसूरत है। ये जवाबी पतंग है, ये आगे जा रहा है लड़ने के लिए और उधर भी एक जवाबी पतंग है और जो पेच लड़ेगा काफ़ी दूर लड़ेगा फ्रेंड्स। फिर से पेच लड़ने जा रहा है फ्रेंड्स और जो है सही हो गया, नीचे से लड़ाने वाला राइट हैंड साइड से, ऊपर से लड़ाने वाला लेफ्ट हैंड साइड से और ये सही हो गया है। फिर से नीचे से लड़ाने वाले ने पेच काट दिया और नीचे वाले का ये तीसरा पेच हो गया, बहुत ही अच्छा पेच काटा नीचे से लड़ाने वाले ने। देखिए फ्रेंड्स फिर से पेच लड़ने जा रहा है, राइट हैंड साइड वाले ने तीन पेच काट दिया है और नीचे से लड़ा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर से लड़ा रहा है और काफ़ी चेस किया हुआ है नीचे से लड़ाने वाले ने। बहुत ही अच्छा दोनों का ही मुड्डा है, अब क्या होगा। बहुत ओ हो फिर से पेच काट दिया फ्रेंड्स, ये इसने चौथा पेच काट दिया, बहुत बढ़िया जो है पेच काट रहा है नीचे से लड़ाने वाला। और आसमान में इतने सारे चील आ गए हैं, ये भी काइट हैं और वो भी काइट है, दोनों ही काइट हैं और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है गोल गोल घूमता हुआ, ये नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है। फ्रेंड्स फिर से पेच लड़ने जा रहा है और बीच में काइट, दोनों ही काइट हैं, यानी एक काइट चील और एक काइट जो है पतंग, दोनों ही लड़ रहे हैं। अभी नीचे से लड़ाने वाले ने चार पेच काट दिया है, ये इसका पांचवा पेच, बहुत अच्छा चला ऊपर से लड़ाने वाले ने और डबल करके बहुत ही अच्छा जो है पेच काटा नीचे से लड़ाने वाले ने, बहुत अच्छा डबल का पेच लड़ाया, पहले पूरा बाहर निकल गया और फिर जो है पट मार दिया उसने, बहुत अच्छा नीचे से लड़ाने वाले ने ये पांचवा पेच काट दिया। देखिए फ्रेंड्स फिर से लड़ने जा रहा है और नीचे से लड़ाने वाले ने पांच पेच काट दिया है, ये इसका छठा पेच लड़ रहा है और सत्ता कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये तो बाद में पता चलेगा। इसमें भी जो है और नीचे से लड़ाने वाला जो है राइट हैंड साइड से लड़ा रहा है, ऊपर से लड़ाने वाला लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहा है, नीचे से लड़ाने वाले ने पांच पेच काट दिया है, धीरे धीरे सत्ते की तरफ बढ़ रहा है, सत्ते में से अभी दो पेच कम है इसके, यानी दो पतंग और काटेगा तो फिर इसका सत्ता पूरा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा ऊपर वाले ने पेच काट दिया फ्रेंड्स, डोर लगा करके पेच काटा, बिल्कुल डोर मिला के चल रहा था ऊपर वाला और उसने इसको सत्ता नहीं मारने दिया, अभी सत्ते में दो पेच कम थे इसके, नीचे से लड़ाने वाले का पतंग कट गया फ्रेंड्स और ऊपर वाले ने पेच काट दिया, बहुत बेहतरीन पेच काटा। वो पतंग देखिए झूमती हुई बलखाती हुई मचलती हुई जा रही है,
ये अपने जो है नानी के घर पहुंच जाएगी। अब नीचे से लड़ाने वाले को बहुत अफसोस होगा, उसने तो सोचा हुआ था कि सत्ता मार दूंगा लेकिन नहीं मार पाया। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जैसे क्रिकेट में कोई प्लेयर सेंचुरी मार देता है ना, 100 पूरे मार देता है ना, उसी तरह से पतंगबाजी के अंदर भी जो अगर कोई एक प्लेयर एक पतंग से 7 पेच काट देता है ना, तो वो बड़ी प्रेस्टीज वाली बात हो जाती है उसके लिए। तो वो बहुत इंजॉय करता है, वो सेलिब्रेट करता है उसको सत्ते मारने को। लेकिन अभी आपने देखा जो पेच कट गया नीचे से लड़ाने वाले का, वो सत्ता नहीं मार पाया था। फिर से पेच होने जा रहा है और राइट हैंड साइड से लड़ाने वाला नीचे से लड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर से लड़ा रहा है। ऊपर वाले ने भी एक पेच काटा था डॉट लगा करके, बहुत ही अच्छा। अब देखते हैं क्या होता है। और फिर से जो है, लेकिन इस बार ऊपर से लड़ाने वाले का पतंग कट गया। आप बिल्डिंग के पीछे जाते हुए देख सकते हैं नीचे वाले ने पेच काट दिया। आप बिल्डिंग के पास देख सकते हैं हाई मास्ट जल चुका है और आसमान में चांद भी निकल चुका है। तो इसका मतलब क्या है, अब वीडियो बंद करके घर जाने का वक्त आ गया। अच्छा तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर के बताना। और आज का ये वीडियो हमने जो है क्लब काइट फाइटिंग का जो पेज वगैरह है उसको बनाने के लिए सोचा हुआ था, लेकिन पेज काफ़ी दूर चला गया है और जो हमारा मोबाइल कैमरा है वो इन पेचों को कैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको इन पेचों को कैच करने के लिए आपका एक प्रॉपर कैमरा होना चाहिए, वो आज मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं लेकर के आया था। तो इसलिए मैं जो है क्लब का फाइटिंग का जो है वीडियो नहीं बना पाया। तो थोड़ा बहुत जो वीडियो बनाया वो मैं आप लोगों को दिखाया। तो आप लोग बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके आपको वीडियो कैसा लगा।